बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त जो जहाँ तशरीफ़ लाए मीडिया के, मैं उनको मशकूर हूँ। और सबसे पहले ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक ये बड़ी अहम बात थी। ये एक आइनी और कानूनी मसला था बलदियाती इदारों की बहाली। तो हमारे यहाँ बाशऊर लोग थे, वकला की तरफ से जो है वो इनफरादी आवाज़ें उठती रही हैं, लेकिन वो कानून के हवाले से बहुत कुछ जानते थे, लेकिन इज्तमाही तौर पर 30 सालों में वकला बरादरी ने इस हवाले से कोई बात नहीं की। फिर बात आ गई हमारी सिविल सोसाइटी पर। मैं ये समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी में से जिन लोगों ने बलदियाती इदारों की बहाली की बात की वो काबिल सताइश लोग हैं, और वही मेरे नज़दीक इस माशरे के ज़िंदा लोग हैं जिन्हें एहसास था कि ये कितना अहम मामला है और लोगों के मसाइल का हल है ये, और किस किस कदर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं अगर ये इदारे वापस लोगों को मिल जाएँ। तो इसमें जनाब इफ्तिखार अज़ीमी, जनाब खालिद परवेज़ भी हमारे सुहेल थे। हम इनके क़यादत में जैसे ये कहते रहे चलते रहे, और उसके साथ मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मेजर आसफ़ साहब का। उन्होंने वो इनेकाद किया, ये हमारी ज़िला कचहरी में एक बहुत बड़ा फंक्शन था, आगाज़ किया वहाँ से। वहाँ पे जितने लोग पार्टिसिपेंट थे वो सारे आज मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फिर हमारे आसफ़ मैरिज हॉल में एक बहुत बड़ा फंक्शन इसी तारीख ने किया, वो तमाम उसके स्पीकर्स, उसमें डॉक्टर इनाम साहब भी आए थे, मैं उनका भी मशकूर हूँ, उन्होंने आवाज़ उठाई। उसके अलावा मेजर जहांगीर साहब थे, मोहम्मद अली अख्तर थे, मेजर आसफ़ साहब थे, जितने भी लोग हमारे जिस भी मौका पे हमारे साथ वो शामिल हुए और जिसने जितना हिस्सा डाला। आज हम इस जो हमारी तहरीक है इसके प्लेटफॉर्म से हम सब उनका बहुत ही ममनूर और बहुत मशकूर है, और उनको मुबारकबाद देते हैं कि उनकी गुफ्तगू और उनके मामले और उनके एहतजाज ने आखिर रंग लाया, और आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है उसने एक बहुत ही तारीखी और बड़ा अजीम फ़ैसला दिया, और लोगों के हकूक़ की जो बहाली है उसके लिए उनका किरदार, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब राजा सईद अकरम साहब का है, और उनके मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो उनके साथ बेंच में शामिल थे उनका है। हम उनके मशकूर हैं, और तारीख़ में उन्होंने अपना नाम जिंदा किया है, और ऐसे जजेस जो हैं वो इस सोसाइटी की ज़रूरत है जो बुनियादी इंसानी हकूक़ और बुनियादी आइनी हकूक़ जो हैं उनको अपनी मौजूदगी में मुअत्तल ना होने दें। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ एजे के जो है, जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक़ इंसाफ़ के, इसमें मैं समझता हूँ कि कायदे तहरीक इंसाफ़ या चेयरमैन तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये उनकी हदायत थी गवर्नमेंट ऑफ एजे के को कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इंतबात का इनका करें, और हमारे जो एजे के प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब सरदार अब्दुल क्यूम नियाजी, उनकी ये कमिटमेंट और उनका ये वादा था, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने इमरान खान साहब से वादा किया था कि हम अपनी पहली प्रायोरिटी में आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इंतबात कराएँगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो सदर रियासत हैं, उन्होंने मैंने देखा है जब से वो सदर बने हैं, जिस जगह उन्होंने पब्लिक गैदरिंग में गुफ्तगू फरमाई है उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारी जो पहली प्रायोरिटी है या जो हमारा कहना है वो ये है कि बलदियाती इलेक्शन जो है हम आर सूरत पर करवाएँगे। ये हमारा तहरीक इंसाफ का, वो पहले प्रेजिडेंट थे तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर चैप्टर के, उन्होंने पहले अपने इलेक्शन में भी लोगों से ये वादा किया, और प्रेजिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने लोगों से कहा जी कि हम अपना वादा पूरा करेंगे, हमने पब्लिक से वादा किया, मैं उनका भी मशकूर हूँ। उसके बाद तहरीक इंसाफ के मौजूदा जो सदर हैं, सीनियर मिनिस्टर जो हैं जनाब तनवीर लियास साहब, उनके भी मशहूर हैं कि उन्होंने सदर जमात बनने के बाद आवाज़ बुलंद की। उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा आवाज़ बुलंद करने वाले थे इलेक्शन के में भी और इलेक्शन के बाद भी, वो जनाब हमारे स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली जनाब चौधरी अनवार उल हक साहब थे, उनके मशहूर हैं, और अली ज़ुल्करनैन साहब, उन दोनों का ये हमारा इलेक्शन मुहिम में वादा था कि हमें इख्तियार मिला, हमारे कलम में कोई ताकत हुई तो हम आवाम का ये जो हक़ है इसको वापस दिलाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम उनके भी मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी बात पर पहरा दिया, और जिस फोरम पर भी जहाँ भी वो बात कर सकते थे उन्होंने की, कन्विंस किया, उन्होंने अपनी पार्टी को किया, अपने MLAs को किया, अपने मिनिस्टर्स को किया, हम इस बात पर उनके मशकूर हैं। और उसके बाद हम आज़ाद कश्मीर के आवाम के भी मशकूर हैं, वो तो नहीं हुआ लेकिन आइंदा भी हम तवक्को रखते हैं कि जो भी मसला, जिससे समाज का मसला हो, सियासत का मसला हो, रियासत का मसला हो, उसके अंदर पूरी आवाम को, मीडिया को, हर सोसाइटी को
हिस्सा लेना चाहिए, वरना माशरे मर जाते हैं, माशरों में ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता, बड़े मसाइल हैं लोगों के। एक जो MLA है वो कितने मसाइल हल कर सकता है, दिन में कितने लोगों को इंटरटेन कर सकता है, कितने मसाइल को इंटरटेन कर सकता है। जब आप बलदियाती निज़ाम देंगे, आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है, जो कि प्लूटोक्रेसी बन चुकी है, उसके दरमियान और आवाम के दरमियान खलीज की जो बुनियादी और वाहिद वजह है वो बलदियाती इदारे ना होने की वजह, और कोई वजह नहीं है। जब आपका काउंसलर मौजूद होगा, जब आपका मेंबर ज़िला काउंसिल मौजूद होगा, जब आपका चेयरमैन UC मौजूद होगा, जब आपका चेयरमैन तहसील काउंसिल का मौजूद होगा, जब आपका चेयरमैन ज़िला काउंसिल मौजूद होगा, तो मुझे बताएं कि ब्यूरोक्रेसी को दिन को कितने लोगों को जवाबदेही देनी पड़ेगी। उन्हें पता होगा भाई ये मामला है, ये सेटल हुआ या नहीं हुआ। अवामी नुमाइंदे हमारे दफ्तरों में, हमारे घरों में पहुँच जाएंगे लोगों की शिकायत लेके। तो इन इदारों की बहाली का सबसे बड़ा मसला है कि हमारे जो इदारे नहीं काम कर रहे, सबसे बड़ा मसला है गुड गवर्नेंस का है। गुड गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो मसाइल, जो रुकावटें थी, वो यही बलदियाती इदारे थे। हम सब का यही ख्याल था। ये जो आप मौजूद लोग आपके सामने आज तशरीफ़ फरमाए हैं, ये बड़े मेंटली क्लियर थे। इनमें से, हम में से कोई ज़िला चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं है। आप इलेक्शन होंगे, आप देखेंगे कि हम किसी कतार में भी नहीं होंगे। लेकिन हमारा विजन क्या था? विजन हमारा ये था कि मसाइल का हल इसी इन्हीं लोगों के पास, जो मर्जी लोग मुंतखब करें। आज के इस फोरम से गवर्नमेंट इंशाल्लाह जल्दी इसको परसू करे। पहले भी दूसरी ये बात मैं करना ये चाहता हूँ कि डीलिमिटेशन का जो हुक्म दिया है मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अंदर जो पहले मसाइल हुए, देखें डीलिमिटेशन हमारी जो महकमा माल है उसको और जो इलेक्शन कमीशन है उसको लोगों की आसानी के लिए करनी चाहिए, ना कि किसी पब्लिक फिगर या किसी बरादरी या किसी और के लिए नहीं करनी चाहिए डीलिमिटेशन। को कहाँ आसानी हो सकती है यूनियन काउंसिल बनाने में? वैसे करेंगे तो ये स्टेट का मामला है, इसमें पर्सनल तो किसी को नहीं फायदा मिलने वाला। लिहाजा डीलिमिटेशन में जो पहले गलतियाँ हुई हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए इदारों को। और दूसरी आवाम से मेरी अपील है कि अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, आखिर इस तरफ चल पड़े हैं। इलेक्शन भी 6 माह का कोई अरसा नहीं है, हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। KPK में भी अभी हो गए हैं, तो बड़ा उसमें अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतरी है। 18 जनवरी को उनका सेकंड चलना है मामला। तो लोगों से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि पुरअमन रहें, अपना किरदार अदा करें, आगे आएँ। ये इदारे आपने बनाने हैं, इदारे खुद पिलर्स या ईंटों या पत्थरों से नहीं बनते, अफराद ही उनको चलाते हैं, अफराद ही इदारे बनाते हैं। जितने लोग आप इसमें दिलचस्पी लेंगे, एक दूसरे से भाईचारे, मोहब्बत, अखुवत और तरक्की का दौर आप शुरू कर सकते हैं। अगर कानून व आइन ने, अदालतों ने और मौजूदा आज़ाद के कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसने अगर इख्तियारात आवाम को देना शुरू किए हैं, तो आवाम भी पूरी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और पढ़े लिखे लोग आगे आएँ और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और लोगों को बताएं कि बलदियाती इदारों की आपकी ज़िंदगी के अंदर वैसे ही अहमियत है जैसे अब आप पानी की अहमियत है। होंगे आपके लिए आसानियाँ होंगी, रोज़गार की आसानियाँ बेहतर हो जाएंगी आपके लिए, आपके माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, आपकी हेल्थ के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, आपके तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने में मिलेगी, आपके थाना कल्चर को, इसको बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो तमाम लोगों का मैं, जो आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया, जनाब चेयरमैन तहरीक का, जनाब खालिद परवेज साहब का, अमजद भाई का और जितने दोस्त आज यहाँ पे नहीं पहुँच सके इस तहरीक के साथ चलने वाले, उनका भी और आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।